हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों का आज नवा दिन है। तो मैं कन्यों के लिए खाना बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ और मैं उनको भोजन खिलवाऊंगी। और अभी वो लड़कियाँ अभी थोड़े टाइम बाद आएंगी, तो मैं इतने थोड़ा पूड़ी वगैरह बना लेती हूँ। अभी पूड़ी उनके लिए तो वैसे बना के रख ही ली है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ कभी कम पड़ जाए। और उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ वीडियो। तो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहे रीना शॉर्ट्स ब्लॉग। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बने रहे ब्लॉग में और देखते रहे मेरा ब्लॉग। तो अभी ये लड़कियाँ आ गई हैं। लड़कियाँ का क्या बोलूँ, इनको माता का रूप ही है ये भी बेचारी। तो ये लड़कियाँ आ गई हैं, तो इन्होंने खाना खा लिया है। खाना क्या खाया है इन्होंने, बस थोड़ा बहुत ही खाया है। और ये क्योंकि खा रखा था इन्होंने, दो तीन घर खा के आई हैं ये, और अभी इन्हें और दो तीन जगह जाना है। तो ये जल्दी हो रखा था इनको कि जल्दी कर दो, और भी इन्वाइट कर रहे हैं कहीं जाना है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी इनको भोग लगा दिया और इनका जो करना था वो कर दिया अभी। और ये इसके बाद जाने वाली है कहीं और दूसरे घर, तो तब तक बने रहे ब्लॉग में।
नवा दिन है और मैंने खिलवाया है कन्यों को खाना। वो लड़कियां खाना खा के चली गई हैं अपने घर, और अभी हमारा किचन सारा फैला हुआ है, तो वो किचन को मैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद भी मेरी पूजा तो हो रखी है, अब मैं नाश्ता वगैरह करूँगी। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जाऊँगी कहीं बाहर, और मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं आप लोगों को वीडियोस में शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल में। तो अभी मैं निकल गई हूँ घर से और हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ। मैं जा रही हूँ, अनीता जा रहा है अपने कॉलेज, और मैंने इसके साथ ही मैंने बोला मुझे भी छोड़ देना, तो ये मुझे बस में बिठा देगा। मतलब बस में क्या, आधे रास्ते तक तो ये मेरे साथ ही जाएगा। वहाँ से मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है, तो ये मुझे बस में बैठा देगा। बस में बैठाने के बाद मैं खुद ऑटो से चली जाऊँगी या फिर नितिन ले जाएगा, जैसे भी होगा। और मैं अभी इसी के साथ जा रही हूँ, और रास्ते में मैं गाड़ी से बोल रहा था, मैंने बोला गाड़ी से नहीं चल रहे, ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि जब भी जाते हैं गाड़ी से ही जाते हैं, और गाड़ी से जो मतलब मज़ा नहीं आता जाने में। मुझे तो वैसे भी बाइक पर बहुत अच्छा लगता है, कहीं पर भी जाओ बाइक से, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है दीदी का घर, तो इतना अच्छा लग रहा था। ये मतलब बाईपास को निकाला इसने, शहर में नहीं निकाला, और मतलब यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था। मैंने तो वीडियो वहाँ की शूट कर ली, आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आम वाम के पेड़ हैं यहाँ, अमरूद के, और बहुत अच्छा व्यू है, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। और वैसे भी मुझे बाइक से जाना बहुत अच्छा लगता है, कार से इतना अच्छा नहीं लगता। कार में बैठो एक बार और फिर जहाँ जाना है वहाँ उतरो। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ हमें आना था, शहर में, और ये है का कॉलेज, और उतार दिया, और उतारने के बाद मुझे बस में बैठा दिया। ये जो सामने बस मिली है इसी में, ये लोकल की यहाँ की बस है, बैठ गई। और बस वाला ड्राइवर का पता नहीं, कंडक्टर का नहीं पता, पता नहीं कहाँ है दोनों, और अभी पता नहीं बस कितने टाइम बाद चलेगी। तो मैंने अभी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने वीडियो बना ली। यहाँ पे ज़्यादा लोग थे भी नहीं, 2-3 लोग थे, तो वो पीछे की साइड बैठे हुए थे, जिससे कि मैंने वीडियो बना ली। अगर ज़्यादा लोग होते तो शायद मैं नहीं बना पाती वीडियो, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे, मुझे थोड़ा वो लगता अजीब। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई यही वेट कर रही हूँ कि पता नहीं कितनी देर में बस चलेगी। तो उसके पहले मैंने ये बोला भी था उसको, तो देखो आ गया वो कंडक्टर, अब चलने लगी बस। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ मुझे जाना है, तो रास्ते में मुझे थोड़ा थोड़ी दूर ही जाना है, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट तो क्या, ऐसी 10 10 मिनट लगेगी, हाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। 10 मिनट बाद मुझे ऑटो में बैठना है और फिर मैं जाऊँगी दीदी के यहाँ। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। बस अब मेरा आ गया जहाँ मैं उतरना था, और अब मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, सॉरी ऑटो नहीं, मिनी मेट्रो, मिनी मेट्रो में। और अभी नितिन को मैंने कॉल किया था, नितिन ही घर पर है नहीं, नितिन कॉलेज गया है, और मुझे खुद से ही जाना है, तो मैंने मिनी मेट्रो कर लिया, और मिनी मेट्रो से डायरेक्ट ये घर तक ही जाएगा और मुझे घर पर ही उतार देगा। और यहाँ पे भी आगे चल के लगा हुआ है थोड़ा मेला, दशहरा, दशहरा के लिए पहले से ही लगा रखा था, यहाँ पे मेला लगता रहता है यहाँ पे। तो मैं वो देखते हुए जा रही हूँ कि शाम को नाइट में मेला देखने आऊँगी, और खा तो कुछ सकती नहीं क्योंकि अभी फास्ट चल रहा है, कल को मेरा फास्ट खुल जाएगा, तो कल को मैं कुछ अच्छा अच्छा सा खाऊँगी यही सोच रही हूँ, और शॉपिंग करूँगी। तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज कहीं जाने वाली हूँ, और मैं कहाँ जाने वाली थी, मैं आज आई हूँ दीदी के यहाँ, और मैं आई हूँ शॉपिंग करने। मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया था कि मेरा ट्रिप आने वाला है, तो मेरी ट्रिप की फाइनली डेट आ गई है और मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ, तो आज से शॉपिंग शुरू कर दी है। तो आज का वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, तो प्लीज़ कैसा लगा वीडियो बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और देखते रहें रीना सोर्स ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसे मिलो, ये है दीदी का बेटा हेलो, नितिन, बोलना चाहोगे आप कुछ? नो ओके, कैमरे से सब शर्माते हैं, चलो कोई बात नहीं।